जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में पीडीएस दुकानदार ने राशन की कालाबाजारी का बड़ा मामला ग्रामीणों ने पकड़कर राजस्व विभाग को सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि एफआईआर हुए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। सभी आरोपी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं। राजस्व अधिकारियों की टीम ने पीडीएस दुकान से चावल, शक्कर, नमक की कालाबाजारी करने का मामले में जहाँ पर भारी मात्रा में राशन की बोरियों से भरा ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। इस मामले में ग्राम पंचायत सचिव सहित 5 लोगों के विरुद्ध सन्ना थाने में आपराधिक मामला 23 जून को दर्ज हुआ था। ग्राम पंचायत फुलझर के ग्रामीणों ने बगीचा एसडीएम के पास में पहुंचकर इन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जहां पर फूलझर ग्राम पंचायत से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने आरोप लगाया है कि गरीबों के मुंह का निवाला चोरी करने वाले लोग प्रभावशाली होने की वजह से पुलिस उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। ग्राम पंचायत फुलझर में चावल ब्लैक किया जा रहा था, चावल जिसको मौके पर ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया और उसमें मौके पर आके तहसीलदार और थाना प्रभारी और फूड इंस्पेक्टर और पटवारी के द्वारा जब्तीनामा बना के कार्रवाई की गई। वहाँ उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर होने के बाद भी उसमें आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हो रही है। इसमें ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, इसलिए आज हम एसडीएम कार्यालय एसडीएम के पास ज्ञापन देने आए हैं कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है कार्रवाई, जिससे कार्रवाई की जाए और तत्काल सचिव को गिरफ्तार किया जाए। फुलझर पंचायत से हूँ और हम लोगों के यहाँ पंचायत स्तर पर जैसे कि हम लोग का बीपीएल चावल का हेरा फेरी हुआ है और चावल का हेरा फेरी ट्रैक्टर के माध्यम से उसको लिया जा रहा था, फिर हम लोग उसको पकड़े और जब्त किए उनका ट्रैक्टर चाबी को और इनका सूचना पुलिस थाना में दिया गया, सन्ना थाना में, और बाद में तहसीलदार साहब को भी सूचित किए और सूचना देके फूड इंस्पेक्टर को भी सूचित किए और उनका एफआईआर दर्ज होने पर भी आज तक पुलिस प्रशासन के द्वारा उन आरोपियों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः हम एसडीएम को अवगत कराने के लिए आए हैं और अगर पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई और दबाव नहीं डालेगी तो हम पूरे जनता के माध्यम से हम लोग आक्रोशित हुए हैं और हम लोग आंदोलन छेड़ने के इरादे से हम यहाँ पे आए हुए हैं।